हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं आप स्टील का अगला टॉपिक, कनेक्शन डिफिनेशन। कनेक्शन डिफिनेशन पढ़ने के लिए पहले हम क्या बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे। फिगर देखिए, बताइए कौन सा रिवेटिंग किया, आपको पढ़ा चुके हैं कौन सा रिवेटिंग है। ये क्या कर दिए, रिवेटिंग। देखिए ये कौन सा रिवेटिंग है, फिगर देख के पता चल रहा होगा, ये आपका जिग जैग रिवेटिंग है। कौन सा रिवेटिंग मिल रहा है आपको, जिग जैग रिवेटिंग। ये देखिए रिवेट लगे हुए हैं सब जिग जैग मोशन में। अब देखिए इसमें हमको पहला पढ़ना है आपका रिवेट लाइन। पहला डिफिनेशन क्या पढ़ना है, रिवेट लाइन, या फिर इसे कहेंगे गेज लाइन, रिवेट लाइन या गेज लाइन। अब समझिएगा रिवेट लाइन क्या है। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, रिवेटें लगी हुई हैं, फोर्स किधर लगेगा, इधर क्या लगेगा आपका फोर्स, इधर क्या लगेगा फोर्स। तो रिवेट लाइन क्या है आपका, फोर्स के समांतर रेखा, फोर्स के समांतर रेखा जिस पर रिवेट लगी गई लगाई गई हैं उसे क्या कहेंगे, रिवेट लाइन। समझिएगा, बल के समांतर रेखा जिसे जिस पर रिवेट लगाई गई है उसे क्या कहेंगे, रिवेट लाइन। यह क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, यह क्या होगा आपका काल्पनिक लाइन। जैसे देखिए रिवेट के समांतर रेखा कौन सा मिल रहा है, ए मिला है। रिवेट का समांतर रेखा कौन सा मिला, ए मिला। एक और मिलेगा रिवेट के समांतर रेखाएं, रिवेट के समांतर रेखाएं, कितनी रिवेट रेखाएं मिल रही हैं, एक दो तीन चार और पाँच। यानी रिवेट लाइन क्या है, बल के समांतर रेखा जिस पर रिवेट लगाए गए हैं उसे क्या कहेंगे, रिवेट लाइन। देखिए ये क्या हो गया आपका, रिवेट लाइन, रिवेट लाइन, रिवेट लाइन, रिवेट लाइन, और क्या मिल गया आपको, रिवेट लाइन। पहला डिफिनेशन आपका हो गया रिवेट लाइन का। दूसरा पढ़ेंगे गेज डिस्टेंस, क्या पढ़ना हमको, गेज डिस्टेंस। समझिए रिवेट लाइन को हम क्या कहते हैं, गेज लाइन। तो क्या होगा कि दो रिवेट लाइन के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहेंगे, गेज डिस्टेंस। या फिर हम कह सकते हैं दो गेज लाइन के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहेंगे, गेज डिस्टेंस। दो गेज लाइन के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहेंगे, गेज डिस्टेंस। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। दो रिवेट लाइन के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहेंगे, गेज डिस्टेंस। अगला डिफिनेशन मेरा होगा पिच, अंतराल। क्या होगा आपका पिच, पिच क्या होता है, एक ही रिवेट रेखा पर स्थित दो नज़दीक के रिवेटों के केंद्र से केंद्र के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाता है, मेरा पिच कहलाएगा। देखिएगा एक रिवेट रेखा पर स्थित, समझिए ये कौन सा रिवेट रेखा है, एक ही रिवेट रेखा है, एक ही रिवेट रेखा पर स्थित दो रिवेट के केंद्रों से बीच के बीच की दूरी क्या कहलाएगा आपका, पिच कहलाएगा। कोई रिवेट रेखा ले लीजिए, ए रिवेट, एक रिवेट रेखा हो गया ए के दो निकटतम रिवेटों के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाएगा, पिच कहलाएगा। यहाँ एक रिवेट लाइन ए हो गया, एक रिवेट लाइन पर स्थित दो निकटतम रिवेटों के केंद्र से केंद्र की दूरी क्या कहलाएगा आपका, पिच कहलाता है। इसे स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी रिवेट जॉइंट में मिनिमम पिच कितना होता है, मिनिमम पिच कितना होता है, 2.5 इंटू डाया ऑफ रिवेट, नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट। इसको हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला मेरा क्या है, अगला डिफिनेशन विषम पिच। क्या है मेरा, विषम पिच, स्टेगर्ड पिच। क्या है मेरा, स्टेगर्ड पिच। विषम पिच क्या होता है, समझिएगा दो निकटतम रिवेट रेखाओं पर स्थित दो निकटतम रिवेटों के केंद्र से केंद्र की लंबवत दूरी क्या कहलाता है, विषम पिच। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P1 से। समझिएगा पिच और विषम पिच में अंतर क्या है। देखिए पिच क्या कहलाता है, एक ही रिवेट रेखा पर स्थित दो निकटतम रिवेटों की केंद्र से केंद्र दूरी। लेकिन विषम पिच क्या कहता है कि दो निकटतम रिवेट रेखाएँ, विषम पिच क्या कह रहा है कि दो निकटतम रिवेट रेखाओं के दो निकटतम रिवेटों के केंद्र से केंद्र की लंबवत दूरी। जैसे देखिए एक रिवेट रेखा ये हो गया, एक रिवेट रेखा ये हो गया। तो देखिए एक रिवेट रेखा केंद्र से दूरी, इसका केंद्र से दूरी, एक क्या कहलाएगा आपका, विषम पिच। यहाँ भी ले सकते हैं एक रिवेट लाइन ये हो गया, दूसरा निकटतम रिवेट लाइन ये हो गया, दोनों निकटतम रिवेट लाइनों का, दोनों निकटतम रिवेटों का केंद्र से केंद्र दूरी क्या कहलाता है आपका, विषम पिच कहलाता है। अगला डिफिनेशन आपका एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस किनारा दूरी। एज डिस्टेंस क्या कहलाता है,
प्लेट के किनारे से रिवेट के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? एज डिस्टेंस। समझिएगा, प्लेट ये क्या हो गया आपका, प्लेट का किनारा, ये क्या हो गया रिवेट का केंद्र। प्लेट के किनारे से रिवेट के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस इसको हम सारणी से निकालते हैं। इसे कैसे निकालते हैं हम? सारणी से। तो ये आपका क्या था, बेसिक डिफिनेशन। डिजाइन करने या फिर फेल्योर या स्ट्रेंथ निकालने में इन सब का यूज़ करेंगे।